Thank you. यीशु की जय हो 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 प्रभु ने हमें जीप दिया है के के लिए बोलने के लिए बोलने क्या बोलने के लिए अच्छा बोलने के लिए? के लिए प्रभु का वचन बोलने के लिए पर क्या होता है अक्सर हम इस जीप से दूसरों की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाते हैं पर प्रभु हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार काम करना है आप सबों के बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कॉपी है और पेन है पेन का काम क्या है कहां पर लिखना कॉपी में जमीन पर लिखो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा कितने बुद्धिमान लोग हैं खराब हो जाएगा जब हमारी जीव से हम बुरे वचन बोलते हैं क्या हमारे शरीर में दुख नहीं आएगा यह खराब नहीं होगा बहुत सारी बीमारियां मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमारी इंद्रियों के कारण हैं हमारी इंद्रियां का उपयोग हम गलत रीति से करते हैं और जब हमारी इंद्रियों का गलत रीति से हम उपयोग करते हैं हम बीमार हो जाते हैं ये हाथ दिए हैं प्रभु की आशीष देने के लिए सेवा करने के लिए यह कान दिए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए पर हम लोग बुगाई सुनना पसंद करते हैं प्रभु ने हमें बुद्धि दी है जानने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और अच्छे को करने के लिए प्रभु ने हमें इच्छा शक्ति दी है चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं अड़े लुया लुया हाले लुया हाले लुइया बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं मैं वो नहीं कर सकता हूं मैं ये नहीं कर सकता हूं यह मुझसे नहीं होता है मैं एक बाग एक व्यक्ति को उदाहरण दे रहा था वो मुझसे कह रहा था यह मुझसे नहीं होगा मैंने कहा तुमसे नहीं होगा यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है आप कर पाएंगे मैंने उस भाई को कहा सोच लीजिए हमारी दीवार सात फुट की है अब आपके पीछे शेर पड़ा है शेर पकड़ेगा काएगा और वैसे समय पर एक साधारण व्यक्ति सात फुट की दीवार कूद नहीं पाने वाला व्यक्ति की शेर को देखकर सात फुट क्या आठ फुट की भी दीवार कूद डालेगा? हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो सब कर सकते हैं इसलिए यह मत कहिए हमसे नहीं होता है हमारे अंदर इच्छा है इच्छा शक्ति है हम सब कुछ कर सकते हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद येसु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद को धन्यवाद मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था एक व्यक्ति की उसका नाम है निक उसके दोनों हाथ नहीं है दोनों पैर नहीं है अब वो कहता है मैं प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं और वो सब कुछ करता है गाड़ी चलाता है वो जो है थकता है पानी में प्रभु का प्रचार करता है कंप्यूटर चलाता है सब कुछ करता है वो कहता है मैंने अभी तक दो डिग्रियां हासिल किए हैं मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु का प्रचार करूंगा ना हाथ है ना पैर है सब कुछ करता है हर एक काम अपना वो खुद करता है वो दांत भी मांसता है ब्रश एक जगह लगाया है और ऐसा ही दांत मांसता है और जो उसके सिर से वो उठाता है ग्लास पकड़ता है और पानी पीता है कोई सहायता नहीं करता है और वो व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु के नाम पर सब कुछ कर सकता हूं इसलिए आपके अंदर इच्छा शक्ति हो इच्छा शक्ति है तो सब कुछ कर सकते हैं इच्छा शक्ति नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आड़े लोहिया येसु की स्तुति हो येसु की स्तुति हो येसु को धन्यवाद को धन्यवाद आपके मन के अंदर याद दस मेमोरी अब हम लोग क्या याद रखते हैं अधिकांश समय हम बुगाई को याद रखते हैं यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को याद होगा पापा ने एक दिन मुझे डंडा लेके पिटाई की थी अभी बीस पच्चीस साल की पहले की बात है अभी भी याद है। कैसा मारा कहां मारा कौन से डंडे से मारा कितने मारे सब याद है बुगाई को याद रखने में हम माहिर हैं एक दिन मेरे पास ये एक पति पत्नी आई दोनों के बीच में लड़ाई थी आओ मैंने दोनों को मेरे सामने बुलाया और कहा बैठ जाओ बैठने के बाद मैंने पति से बोला कि बताओ क्या समस्या है पति बोलने लगा मेरी कोई समस्या नहीं है इनसे पूछ लीजिए मैंने पत्नी से कहा बताओ क्या परेशानी है आग वो मुझे कहने लगी कि फादर जी हमारी शादी होके अभी जो है बीस साल हो गए हैं। उसने दो साल के पहले से मैं इनको जानती हूं शादी के पहले इसने मेरे से बहुत सारे वादे किए हैं और उन वादों में से एक वादा भी अभी तक निभाया नहीं है शादी होके बाईस साल हो गए और सारी बातें बताना शुरू कर दिया बताते 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 डेढ़ घंटा बीत गया आओ मैं थक गया आओ मैंने पत्नी से कहा उसकी पत्नी से कि थोड़ी देर शांत रहोगी आओने कहा ठीक है पादर मैंने कहा आज सुबह मिस्सा में आप गए थे आ गए थे मैंने ही मिस्सा चढ़ाया था आओ मैंने उनसे पूछा कि मिस्सा में कौन सा पाठ पड़ा था याद नहीं है पादर मायने की कि प्रवचन में क्या बताया था याद नहीं है फादर बाईस साल के पहले की बातें याद है पति ने क्या क्या किया याद है आज सुबह प्रभु का वचन सुना है वो याद नहीं है मैं वही जानता हूं यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग कहेंगे साधना कैसी थी अच्छी था बहुत ही अच्छा थी क्या हुआ था सब अच्छा था फादर ने क्या बताया ये वाक्य बताओ वो याद नहीं है बाधा है पति ने क्या किया पत्नी ने क्या किया बच्चों ने क्या किया पड़ोसी ने क्या कहा सब याद आए पर प्रभु का वचन याद नहीं है आले लुविया आले लुविया येसु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो येसु को धन्यवाद को धन्यवाद यदि हम हमारे इंद्रियों को सही उपयोग करेंगे प्रभु ने हमें याददाश्त इसलिए दिया अच्छे काम को बले काम को याद रखो हम बला काम याद नहीं रखते हैं बुगे काम सारे याद है आले लोहिया आले लोहिया और यही बीमारी का जड़ है यही बीमारी का जड़ है इसलिए हम लोगों को इन बातों से दूर होना है प्रभु के वचन पर चलना होगा तीसरा नियम कहता है तीसरा नियम क्या कहता है प्रभु का दिन प्रभु का दिन पवित्र रखो प्रभु का दिन पवित्र रख प्रभु का दिन कौन सा है इतवार। बाकी के दिन किसके हैं वो भी प्रभु के हैं सातों दिन प्रभु के हैं प्रभु कितना अच्छा है प्रभु ने चेतिन दिन हमारे लिए दिए हैं और एक दिन अपने लिए रखा है और हम लोग उसमें भी प्रभु का समय भी चोरी कर देते हैं वो चोरी, है। समय चोरी करना भी चोरी है याद रखिए बहुत सारे लोग कहते हैं इतवार का दिन छुट्टी का दिन है इट इज ए हॉलीडे इतवार का दिन हॉलिडे नहीं है इतवार का दिन हॉलिडे पवित्र दिन है प्रभु का दिन है चोरी मत करो आड़े लोहिया आले लोहिया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद चौथा नियम बताता है चौथा नियम क्या बताता है माता पिता का आदर करो क्या कहता है माँ बाप का आदर करना यदि हम यपीसी का पत्र उसका अध्याय इच्छे उसकी पसंद के एक और दो में पढ़ेंगे वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि दस नियमों में केवल एक नियम है वो चौथा नियम है उस नियम के साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है वन प्रॉमिस इज अटैच टू दिस रूल धन्यवाद। ग्रंथ अध्याय तीन में पूरा चाप्तर में लिखा हुआ है माता-पिता का आदर करने से क्या होता है एक दिन की बात है करीब ग्यारह बजे रात को हमारे आश्रम के गेट पर एक व्यक्ति ने कट कटाया गेट के पास पहुंचा तो मैंने एक जवान लड़के को मोटरसाइकिल में देखा वो मोटरसाइकिल में था गेट कटकटाई तो मैंने उस लड़के से पूछा बेटा तुम क्यों आए हो क्यों गेट कटकटाई वो कहने लगा पादे जी मुझे आपसे मिलना है मैंने कहा इस रात को ग्यारह बज चुके हैं जाओ सो जाओ कल सुबह आ जाना उस लड़के ने जेब में हाथ डाला एक छोटी सी बोतल निकाली आओ मुझे दिखा दिया सलपास की गोलियां आओ जैसे ही मैंने देखा सलपास की गोलियां उसके हाथ में वो कहने लगा पादर जी मैं मरने जा रहा था मुझे प्रेरणा हो गई कि मैं आश्रम चलूं आप पादर से मिलूं इसलिए मैं इस रात को आपके पास आया मैंने गेट खोली अंदर ले गया आओ आओ बैठाया, लगा, रोना शुरू करने लगा जी, मैं मेरे जीवन में सफल नहीं बन पा रहा हूं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं जहां भी काम करता हूं तीन चार पांच छह महीने किससे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं मैं दिल्ली में चार पांच अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था एम ए बी एड है और कि वहां पर छोड़ के आया अभी हमारे आश्रम के पास ही थोड़ी दूर में करीब तीस किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल है उसमें वो पढ़ा रहा था और वहां के प्रिंसिपल एक पादर हैं, हमारा ही स्कूल है तो मैंने उस बेटे से पूछा वो बेटा कहने लगा पादर जी मैं वहां रह नहीं पा रहा हूं मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूं तो मैंने उस बेटे से बोला क्यों स्कूल छोड़ना चाहते हो फादर ने कुछ कहा नहीं फादर फादर बहुत अच्छे हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं फिर क्यों छोड़ना छोड़ना चाहते हो? वो मैं नहीं जानता हूं फादर। कहीं भी मैं ठीक नहीं पाता हूं मैंने तुरंत उस बेटे से कहा कहीं मां बाप से लड़ाई तो नहीं है फादर जी सात साल हो गए मैं घर से पापा से लड़ाई करके निकला था आज तक वापस नहीं लौटा हूं प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय तीन में यही लिखा है जो माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करता है उसकी नींव हिल जाती है यदि नींव हिल जाए मकान कैसा खड़ा होगा मैंने बेटे से कहा बेटा तुम घर वापस जाओ पापा से मिलो आओ क्षमा मांग लो कुछ दिनों के बाद मैं उस स्कूल में पहुंचा जैसे ही पहुंचा मैंने उस लड़के को देखा मैंने उसको बुलाया कहा, गया था वो बोला नहीं पाद, मैं गया नहीं मैंने लड़के से कहा मोबाइल निकालो पापा का नंबर डायल करो आओ मैंने कहा फ्री हैंड कर दो मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारा पापा क्या बोल रहा है आओ बेटा मुझसे कहता है पाधक जी मैं पापा से क्या बोलूं? मैंने उससे कहा पापा तुम्हारा है महंगा है पापा से पूछो पापा आप कैसे हैं आग घंटी बज गई फोन उठा दिया आग इसने पापा से कहा पापा आप कैसे हैं आप वहां से रोने की आवाज बेटे तुम कहां हो जल्दी कराओ। मैंने वहां के प्रिंसिपल से फादर से जाके कहा शनिचर को इसको घर भेजो। आ मैंने उससे भी कहा शनिचर को तुम घर जाओगे आ उस शनिचर को बैठा कर गया करीब बत्तीस तैतीस साल की उम्र है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी छह महीने के अंदर पापा ने शादी करा दिया अभी वही बेटा वही है अच्छी तरह से पढ़ाता है आप परिवार के साथ खुश है क्योंकि उसके जीवन में माता पिता का आदर किया है। आज बहुत सारे लोग माता पिता का आदर नहीं करते हैं माता पिता चाहे कैसे भी हो उसका न्याय आप मत करना आपके माता पिता का आदर करना क्योंकि आपने अपने माता पिता को नहीं चुना है ईश्वर ने आपके लिए माता पिता चुन कर दिया है वो जैसा भी है वैसा है आप उनका आदर करो सम्मान करो ये प्रभु का वचन सिखाता है कोई भी अपने पापा को मम्मी को कभी भी दुख ना दे यदि दुख दिया है क्षमा मांगो आड़ेलुआ Alleluia. 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 की हो. की हो. को धन्यवाद। मैं को मैं हमेशा लोगों कहता आज यहां कड़ा ये मेरी खूबी नहीं है ये मेरी माँ की खूबी है पापा को तो मैंने नहीं देखा चार महीने का था तब गुजर गए थे पर मां ने सिखाया अब आज भी मैं उनको याद करता हूं यदि मेरी बाइबल खोलेंगे मेरे मां की तस्वीर पाएंगे रोज मैं उनको देखता हूं क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन में माता पिता के द्वारा आया है हम अम हमारे मां के मांस के टुकड़े हैं अब वो जीवन हमारे पिता से आया है हम उनके साथ बुरा व्यवहार कैसे करें उनको आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है मेरे प्रिय भाइयों बहनों याद रखें माता पिता को कभी भी दुख ना दें आले लोहिया आले लोहिया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद पांचवा नियम कहता है हत्या ना करो शायद आपने आओ महीने किसी का भी हत्या बंदूक या तलवार से नहीं किया होगा पर हमारे पास ये एक ऐसा हथियार है बंदूक तलवार से भी तेज है वो क्या है हमारी जीप हमारी जीप के द्वारा कितने लोगों ने कितने लोगों की हत्या की होगी यह बहुत ही गंभीर है कभी कभी हमारे वचनों के द्वारा कोई कोई व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है इसलिए हम सबों को यह जानना चाहिए हमारी जीब बहुत ही खतरनाक है किसी चीज का नियंत्रण किया जा सकता है याकूब का पत्र अध्याय तीन में कहा गया है हम लोग सब चीज का नियंत्रण कर सकते हैं पर जीप का नहीं यदि कोई अपनी जीप का नियंत्रण करता है वो माना हुआ व्यक्ति है ने प्रभु से कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा पर आपको छोड़ूंगा नहीं वही व्यक्ति अपनी जीप से यीशु को तीन बार बेच देता है वो अपनी जीप का नियंत्रण नहीं कर पाया इसलिए आप जानते हैं तंत्रकोस के दिन क्या हुआ उसके दिन पवित्र आत्मा उतरा कैसे उतरा कैसे उतरा आग जीप के रूप में क्यों क्योंकि प्रभु ईश्वर जीप का नियंत्रण करना चाहता था आग पेतुस की जीप का नियंत्रण हो गया वो खड़ा होके बोलने लगा एक ही भाषण में तीन हजार लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया आग प्रभु के बन गई यदि या आज आप और मैं मेरे जीव को प्रभु को देंगे प्रभु महान चमत्कार करेगा आरे आलु मैंने पहले भी आप लोगों को बताया मैं जब छोटा था तुतलाता था बोल नहीं पाता था सेमिनारी में मेरी टिकट बुक हो गई थी जाओ तुम तो प्रवचन नहीं दे सकते हो प्रभु उसी जीप को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु आपकी जीप को भी इस्तेमाल करेगा यदि आपकी जीप आप प्रभु को देंगे तो इस्तेमाल कर सकता है प्रभु के लिए सब कुछ संभव है अड़ेलुआ हाथ उठा के बोलिए हाले लुइया हाले लुइया हाले लुइया हाले लुइया यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हम लोग योहन का पाला पत्र उसका अध्याय तीन उसकी पसंद क्या पंद्रह में पढ़ेंगे जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता प्रभु कहता है ना केवल जीव से बल्कि अपने हृदय से भी हम दूसरों की हत्या कर सकते हैं यदि हमारे हृदय में किसी बाई या बहन के प्रति गुस्सा रखा है नफरत रखी हुई है वैर रखा हुआ है हम हत्यारे हैं। आप प्रभु का वचन बताता है किसी भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है यदि आपके दिल के अंदर आज किसी के प्रति गुस्सा है नफरत है आराधना के समय प्रभु को समर्पित कीजिए औ प्रकार की हत्या मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल समाज में भ्रूण हत्याएं होती हैं। आप जानते हैं एक दिन में भारत में कितनी भ्रूण हत्याएं होती हैं? एक लाख से ऊपर एक दिन में नर्सिंग होम्स में हॉस्पिटलों में अपने घरों में दवाई काके किसी ना किसी प्रताग से कि जो है कि अपने बच्चों को मार डालते हैं इससे बढ़कर मैं सोचता हूं कोई पाप नहीं है हालेलुया 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 यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद छठा नियम कहता है व्यभिचार मत करो हमारा शरीर यीशु का मंदिर है इस मंदिर को दूषित ना करो ना अपने शरीर को ना दूसरे के शरीर को प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को पाप का कारण बन जाता है अच्छा होता उसका जन्म ही नहीं होता अभी जन्म हो गया तो क्या करें उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसको गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए पाप इतना गंभीर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आओ सातवा नियम कहता है सातवा नियम क्या कहता है चोरी मत करो चोरी मत करो दूसरों का सामान उठाना दूसरों को कम देना मिलावट बना के देना और ये सब चोरी में आता है मैं विस्तार रूप से नहीं बताऊंगा आप अच्छी तरह से जानते हैं आठवां नियम कहता है आठवां नियम क्या कहता है झूठी गवाही मत देना आपसे मेरा एक सवाल है झूठ बोलकर हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं किसी का जीवन बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं जोर से बोलिए नहीं बोल सकते बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कितने लोग कहते हैं बोल सकते हैं हाथ उठाएं देखें कितने लोग कहते हैं नहीं बोल सकते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं बहुत संख्या में द्विधा में पड़े हुए हैं इसलिए मैं ही खुद कहना चाहता हूं नहीं बोल सकते हैं आपने झूठ बोल के क्या बचाया उसका शरीर उसने तो गलती की है अब उस गलती के कारण उसका आत्मा तो मर चुकी है आओगे आप झूठ बोल के क्या बचाते हैं केवल उसका शरीर आओ जब आप झूठ बोलते हैं आपकी आत्मा भी मर गई है आप कहां जाएंगे नरक में इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों झूठ बोल के हम किसी को भी बचा नहीं सकते हैं पर प्रभु ने बचाने का तरीका सिखाया है बचाने का तरीका क्या है उसको कहो अपनी गलती को स्वीकार करो आप अपनी गलती को कबूल करके माफी मांगो गलती के लिए यदि दंड भी ग्रहण करना है ग्रहण करो तब क्या हो गया आपने अपने आप को भी बचाया और दूसरे की आत्मा भी बचा दी इसलिए झूठ से नहीं सच्चाई से बचा सकते हैं इसलिए हर एक व्यक्ति जो कोई मर जाता है उसका लाश जनादा उठाकर चलते हैं और कहते हैं सत्य बोलो तो मुक्ति है सत्य बोलो तो झूठ बोलो तो नरक है यानी हम लोग की झूठ बोल के बचा नहीं सकते हैं उसको पश्चाताप करा दीजिए आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर कीजिए दंड भी मिले उसको सहने की कोशिश कीजिए यदि आपको भी मुझको भी दंड मिलता है उससे डगिए नहीं दंड को स्वीकार कीजिए और नवा और दसवां नियम कहता है लालच मत कर लालच को छोड़ें। इस तरह से इन दस नियमों को प्रभु यीशु ने जो है कि दो ही नियम में बदल दिया ईश्वर से प्यार करो और पड़ोसी से प्यार करो अंतिम दिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नया नियम देता हूं दस नियम की जरूरत नहीं है दो नियम की जरूरत नहीं है एक ही नियम का पालन करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो आओ प्रभु हमें मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्यार करना सिखाता है एक दूसरे से प्यार करना ईश्वर से और एक दूसरे से